महोदय ने बता दिया ये संख्या कोई हमारे और उनके अलग नहीं है, उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की बात है। क्या भोले बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के, ये अभी सभी चीजें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की गई। नहीं, वहाँ पर्याप्त बल लगा है, इस चीज का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। इसमें शासन और प्रशासन की पूरी संवेदनाएं जो मृतक हैं उनके परिजन के साथ हैं। हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और वो हर पल पल की खबर को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उनको सही और अच्छी तरह से उपचार मिल सके, और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम व उसके बाद जो भी व्यवस्था करनी है वो करने के बाद उनके परिजनों को सौंपते हुए उनके घर तक पहुंचाया जाए ऑफिशियली कितनी। और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उसमें 7 बच्चे हैं और अभी एक पुरुष की बात है, बाकी शेष महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग हैं। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है, जो 72 के अलावा बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है, उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए हैं और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। खलनायक कौन है सर, किसकी भूमिका सामने आ रही है इसमें? जो इकट्ठा होने की परमिशन थी सर, शासन की ओर से जो इसमें किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तत्परता के साथ उनके इलाज आदि की व्यवस्था की जा रही है और उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। जो मृतक है पुलिस के साथ वो वहां तक पहुंचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसमें 2,00,000 मृतकों के लिए और 50,000 घायलों के लिए देने की बात कही है और इतनी ही धनराशि केंद्र सरकार की ओर से भी उन परिवारों को दी जाएगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडीजी और कमिश्नर इन दो लोगों को बताया है कि 24 घंटे के अंदर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट दें। अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी, लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हम लोग अभी वहीं पे डीजी साहब के साथ साइट पे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वाकई क्या हुआ है। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं, और इसके साथ ही इसकी व्यवस्था भी की जाएगी कि इस तरह की घटना की कभी पुनरावृत्ति न हो। सर, क्या आयोजक संपर्क में है इस वक्त? सर, क्या आयोजक इस वक्त संपर्क है या फरार चल रहे हो? क्या उनके ऊपर भी FIR होगी, कार्रवाई? बिल्कुल होगी, इतनी बड़ी घटना है तो बहुत सख्त FIR होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये जो पदाधिकारी सर बाबा हैं सर, इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे हो रखे हैं जहाँ पे इन्होंने प्रशासन की बातें नहीं मानी थी और कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया। कैसे इजाजत दे दी, इजाजत कैसे मिल गई सर इनको? कौन लैब्स पे SDM ने परमिशन दी, किस बिना पे परमिशन दी? SDM ने जो परमिशन करी है वो जो नॉर्मल प्रोसेस है पुलिस से रिपोर्ट लेने के बाद कार्यक्रम के लिए, लेकिन जो उन्होंने परमिशन दी है उसमें कई शर्तों का भी उल्लेख उन्होंने किया है कि आयोजकों को किस किस चीज़ की मौके पर व्यवस्था करनी चाहिए। ये आयोजकों की ओर से एक मेजर लैप्स है और जैसा मैंने कहा इसके लिए बहुत सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ। क्या अधिकारियों का भी कोई लैप्स अभी तक सामने आया है? ये जांच जो कमिश्नर और ADG को करना है, सिर्फ 24 घंटे की मोहलत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है और उसके बाद आप सबके सामने आएगा। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि 80,000 लोगों के ही जुटने की परमिशन थी, तो फिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? उनको नहीं पता था कि 80,000 से ज्यादा लोग? ये सारी चीजें जांच में कवर्ड होंगी और आपके सामने उसका निष्कर्ष निकलेगा।